हेलो पीपल, वेलकम टू द क्या है चैनल का नाम, लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी एलईसी। एक तो नाम मैंने बड़ा अजीब सा रखा हुआ है, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ इस नाम से। एलईसी, एलईसी नो, एलईएस, क्या बोल रहा हूँ, एलईएस, लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। तो इसमें आपका वेलकम है एलईएस में। और आज, हाँ, क्या बोल रहा था मैं, पिछली मैंने दो वीडियो आपको पढ़ाई है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की, उसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और कोशिश की है कि थ्रू क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा दूं थ्रू क्वेश्चंस। और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं जो मैंने कवर करवाए थे। तो मैंने दो चैप्टर अब तक ऑलरेडी करवा दिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसके बाद आपका एसिड बेसिस, और अब आज जो इस वीडियो में कवर होगा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे एक्सरसाइज के हो, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहनी हो तो वो भी देख लो, प्लेलिस्ट में सब पढ़ा रखा है, हर टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है हमने, तो वो सब देख लेना, फिर आके ये सारे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख ही जाएंगे, ये एग्जैक्टली भी दिख सकते हैं और नहीं तो इनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में 110% दिखने ही वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीरियसली पढ़ना, पानी की बोतल वगैरह लेके बैठ जाओ, फुल कंसंट्रेशन, जितनी भी मिनट की वीडियो होगी 20-25-30 जितनी भी मिनट की होगी आपको एक पूरी करनी है और अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीधे जंप करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस होंगे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। तो ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम, गिव वन एग्जांपल विद प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, name two metals which do not react with any form of water। question samajh aaya, to main pehle ye batau, question ye keh raha hai ki hame reaction ko explain karna hai different metals ki, jab wo hot water ke sath react kare, matlab koi bhi metal agar hot water ke sath react kare to wo hame reaction batani hai, cold water ke sath react kare wo reaction batani hai, aur steam ke sath react kare wo bhi hame reaction batani hai, theek hai, aur hame proper balance chemical equation bana ke dikhani hai sabki, hai na, hot water ke sath wale jo metal hai uski bhi, कोल्ड के भी और स्टीम के भी हमें केमिकल इक्वेशन बना के दिखानी है। तो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम टू मेटल्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, कह रहा कोई ऐसे दो मेटल बताओ जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, स्टीम हो, वो रिएक्ट नहीं करते। तो ये सबसे पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी है कि भाई वो मेटल है आपके, एक तो आपका गोल्ड, गोल्ड कभी भी पानी वानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही सिल्वर, ठीक है। तो ये दो ऐसे मेटल हैं जो पानी, स्टीम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, किसी भी टाइप ऑफ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो सेकंड पार्ट हमने बता दिया, गोल्ड एंड सिल्वर, ये है दो मेटल्स, टू मेटल्स पूछ रहे हैं ना, गोल्ड एंड सिल्वर। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में, तो हमें किसी मेटल को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाना है। तो देखो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सोडियम, सोडियम को अगर आप, या पहले आप हॉट वाटर लेना है ना, तो मैग्नीशियम ले लो, हॉट वाटर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को अगर मैं H2 जो कि क्या है, मैं लिख देता हूँ, हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्ट करूँ, केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आपका बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसको बैलेंस कर लो, देख लो, आपका हाइड्रोजन के यहाँ पर चार हो गए, यहाँ पर दो ही हैं, तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, आई थिंक अब ये बैलेंस है, हाँ अब ये बैलेंस है। तो ये देखो हॉट वाटर के साथ, ये मैग्नीशियम था, इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम एक तरीके का मेटल है, मेटल ही बोल पूछ रहा है ना, तो मेटल को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। आपको इसकी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि मेटल प्लस वाटर गिव्स, मेटल प्लस वाटर को अगर हम रिएक्ट करते हैं, जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वैसे टू पार्ट में होती है रिएक्शन, कि जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, फिर इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन आप अगर ये सिर्फ ऊपर वाली भी याद रख लो तो भी चले, तो वही हमने कहा ये मेटल है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल क्या हमारा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ये साइन दिखा रहा है कि गैस इवॉल्व हुई, प्रेसिपिटेट बना इसका, ये ऊपर का जो साइन होता है प्रेसिपिटेशन का साइन, ठीक है। तो हॉट वाटर के साथ हमने बता दिया, सेकेंड इक्वेशन आपको बतानी है, बैलेंस भी कर दिए टू, सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोल्ड वाटर के साथ कोई मेटल रिएक्ट करें तो कोल्ड वाटर के साथ हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो समझ लो ये आपका सोडियम मेटल है और ये वाटर है, कोल्ड है,
वही आपके रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, मेटल, ये मेटल है ना, ये रहा मेटल, सोडियम मेटल होता है, मेटल प्लस वाटर क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, मेटल गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस है कि नहीं है, हाइड्रोजन के यहाँ दो है, तीन है हाइड्रोजन के यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि देखो सोडियम का एक एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो और एक तीन है, तो अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो क्या करेंगे हम, क्यों ना हम सबसे पहले हाइड्रोजन के यहाँ दो है ना या तीन है, तो अगर मैं यहाँ दो लिख दूं, अगर मैं यहाँ दो लिख दूं तो हाइड्रोजन के दो और दो चार हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के चार करने के लिए मेरे को यहाँ दो लगाना पड़ा। अब देखो ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया ऑलरेडी, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो है, लेकिन अब सोडियम यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर एक है, तो यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन पूरी की पूरी आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो कई बार ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेना। तीसरा पार्ट है, आपने हॉट वाटर से देख लिया, कोल्ड वाटर से देख लिया, अब हम स्टीम से देख लेते हैं। स्टीम, स्टीम से अब हम रिएक्ट करेंगे आयरन को, आयरन मेटल, ये रहा आपका आयरन मेटल, इसको जो मैंने रिएक्ट करवाया वाटर से इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो आपका बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe, और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व तो होगी होगी, तो ये आपका एक रिएक्शन होगा। इसको देख लो बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस है, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इसके आप और भी फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर सर देख लेना। इसको आयरन मेटल को जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इसको और भी आप आगे लिख सकते हो, जैसे अगर यहाँ पर मैंने आयरन फेरस लिखा, फेरस आयरन मैंने फेरस फॉर्म जिसको Fe2 बोलते हैं वो लिया, अगर मैं Fe3 लिखता जिसको हम फेरिक बोलते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप देख लेना उसमें ये वाला, जैसे यहाँ पर तो आयरन 2 ऑक्साइड बना ना, वहां पर बनेगा आयरन 3 ऑक्साइड। इस वाली में जब आयरन 3 लेंगे हम, फेरिक वाला आयरन लेंगे, तो हमारा Fe3O4 वाला आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर इसने एक ही पूछी है तो हमने एक ही लिख दी। तो ध्यान रखना आयरन हम कौन सा वाला आयरन लेंगे, आयरन 2 लेंगे या आयरन 3 लेंगे, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्साइड कौन सा बनेगा, फेरस ये आयरन 2 ऑक्साइड बनेगा या आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। पर यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही एग्जांपल पूछा था, तो एक एक हमने तीनों का लिख दिया, हॉट वाटर के साथ भी, कोल्ड के साथ भी एंड स्टीम के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो तीन, ये बेसिकली क्वेश्चन तीन पार्ट में है। तो पहला पार्ट आपका कह रहा है कि हमें क्या बताना है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इलस्ट्रेट करके बताना है, बॉन्ड हमें फॉर्मेशन का इलस्ट्रेट करना है, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इलस्ट्रेट मतलब दिखाना है हमें किस किस के बीच में, मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है उसका हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हुए दिखाते हैं और कैसे कैसे वो कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड वो बताना है। तो देखो मैग्नीशियम जो होता है ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है ये ग्रुप टू का आपका एक एलिमेंट है, और मैग्नीशियम में ना दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में, वैसे ऐसे होता है वैलेंस मैग्नीशियम की, क्योंकि उसमें टोटल 12 होते हैं लेकिन आउटरमोस्ट शेल में ये दो होते हैं, तो मैं बस ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, ये अगर आप चाहिए आपको समझ नहीं आ रही तो आप बस इसको रख भी सकते हो कि मैग्नीशियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोराइड एक तरीके का एक हैलोजन है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं, तो उसमें से क्लोरीन जो है वो भी हैलोजन है, और हैलोजन में आपके होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे होता है MgCl2, तो ये दो क्लोरीन है और दोनों में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया मैग्नीशियम में 2 हैं और इसमें 7 हैं, तो ये बना देते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कह रहा था ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाओ, तो वही दिखा रहा हूँ मैं, इसके भी 7 बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और मैग्नीशियम के 2 हैं। तो बस होगा क्या, होगा क्या, ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो अब ये देखो इसके पास कैसे दिखेंगे, इसको ऐसे दिखेगा जैसे 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का उसके साथ शेयर करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली क्लोरीन भी ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का शेयर करेगा, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और मैग्नीशियम का तो आपका +2 चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड बना ना आपका, ये बॉन्ड बना MgCl2
Cl2 ऐसे बॉन्ड बनाइए और आपका कंपाउंड बन गया MgCl2। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आपको बता दी, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम शेयर कर लेता है। तो होता है क्या, मैग्नीशियम के ऊपर क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर, ये दोनों क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं शेयरिंग के केस में। तो ये आयन भी ऐसे बनता है Mg2+ और Cl- आयन, तो ये आयन ऐसे बनता है। ठीक है, तो मैंने करके दिखा दिया आपको कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से इलस्ट्रेट करके दिखा दिया कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है। तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां, और मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑरेंज वाले शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे इसको ऐसा फील हो रहा है ये पूरा ऑक्टेट है, ऐसे इस नीचे वाले क्लोरीन को भी फील हो रहा है पूरा ऑक्टेट है, ठीक है, और ये बॉन्ड बना लेते हैं मैग्नीशियम क्लोरीन। ऑलराइट, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है ये जो आयोनिक बॉन्ड बना, कोई सा भी आयोनिक बॉन्ड, वैसे ये आयोनिक बॉन्ड है ना Mg2+ और Cl-, तो प्लस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैटायन, ये आपको याद होना चाहिए अब तक, और माइनस वाला पार्ट उसको बोलते हैं अनायन। तो ये कह रहा है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे MgCl2 के केस में हमारा बना ये वाला बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं। तो क्यों होते हैं, इसके रीजन पूछ रहा है, ये सॉलिड होते हैं जात्री वाले। तो ये सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो सॉलिड होते हैं, और बेसिकली अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली कि वो सॉलिड होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल नेचर में। ब्रिटल मतलब जैसे क्रिस्टल की तरह होते हैं, अगर वो टूटेंगे तो ऐसे बिखर जाएंगे, जैसे ग्लास होता है ना, कुछ ग्लास आपके बिखर जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में बिखर जाते हैं। तो वैसे ये ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर में। और क्यों सॉलिड होते हैं, इसका रीज़न मैंने बताया कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की। जैसे इसमें ना ये पॉजिटिव आयन है और ये क्लोरीन का नेगेटिव आयन, तो इनके पास में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको कह रहा है कि भाई ये कोई मेटल हमें डायग्राम दिखाना है कि आपका मेटल और स्टीम में जब रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, तो वो आपको डायग्राम दिखाना है। तो देखो इसका डायग्राम मैं आपको, आप समझ सकते हो इसका डायग्राम, वैसे क्या बताऊँ मैं आपको, कि मान लो ये आपका डायग्राम अपने स्पीड पे बना, अपने हिसाब से बना लेना। तो ये आपका क्या है, ठीक है, स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है। और आपको पहले तो ये बताओ, पहले ये रिएक्शन पता है ना आपको कि मेटल, ये रहा मेटल, ये रहा मेटल और ये स्टीम। जब मेटल स्टीम आपस में रिएक्ट करते हैं, मैंने प्रीवियसली बताया आपको, ये रहा मेटल और ये स्टीम आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ध्यान रखना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कब, जब मेटल और वाटर, किसी भी फॉर्म में वाटर जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जनरल इक्वेशन थी। तो वहां पर बस यहां पर यही होगा कि स्टैंड है मान लो, और ये इसके साथ ऐसे कॉर्क के जरिए एक टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे ये टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड, आप पहले समझ लो, बना लेना साफ साफ। तो ये टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम कोई ना वूलन रखेंगे, और इस वूलन को ना हम ऐसे नीचे किसी बर्नर से, मतलब हीट करेंगे बेसिकली, तो हम ऐसे हीट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने हीट किया, तो ये हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से स्टीम पैदा होगी, स्टीम। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो, स्टीम और मेटल का हमें रिएक्शन करवाना है। तो ये जो स्टीम पैदा कर रहा है ना, स्टीम, या लिख दो स्टीम, ये स्टीम पैदा करने के लिए हमने ये वूलन लिया है, वूलन, सोक्ड इन वाटर, इसको समझ लो, सोक्ड इन, एक वूलन है जो पानी के अंदर भिगी हुई है, उसको नीचे से गर्म किया तो इसमें से इसे भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी वैसे बेसिकली। और यहाँ पर हमने अपना मेटल रख दिया, कोई सा भी मान लो, कोई सा भी हमारा ये मेटल है, ये हमारा मेटल है। तो अब क्या हो गया, स्टीम प्लस मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हमें पता है जब मेटल, जनरल रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, और स्टीम, स्टीम क्या, वाटर ही है एक तरह का, वाटर का फॉर्म है। तो मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, ये जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो बस आपका यही होगा। अब इसको है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, यहाँ पर कनेक्ट कर दो इसको एक और किसी बीकर में यहाँ से। अब होगा क्या, इसमें से ये जब स्टीम, स्टीम ये वाली स्टीम जो वूलन में से निकल रही है, और ये मेटल, ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या होगा, इनमें से ऐसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो मान लो इसके अंदर ऐसे वाटर है,
और यहाँ पर भी एक आपकी ऐसे टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। तो जब ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जब इस वाटर से टकराएगी या वाटर के अंदर जाएगी तो इसमें ऐसे बबल बनेंगे, और ये जो बबल बनेंगे ना, यही शो करता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें आपकी प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस हो गई। तो बेसिकली ये पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप है, ये डायग्राम ये पूछ रहा था। तो ये बेसिकली सेटअप किस चीज का है कि बस जब मेटल और वाटर जो कि किस फॉर्म में, इसमें स्टीम की फॉर्म में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ये कैसे पता चला कि जो सेकंड बीकर में जो वाटर है, इससे जब आपका हाइड्रोजन गैस टकराई तो इसमें ऐसे बबल बने वाटर में, है ना, ऐसे बबल बन गए, समझ गए मेरी बात। तो ये आपका कह रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये एक तरह से शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्यों ज्यादा रिएक्टिव है। और सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड का आंसर सबसे पहले आएगा कि स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन लिस्टेड अबव, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पता है तुम्हें? अगर नहीं पता तो जाके ढूंढ लो कहाँ पढ़ा है मैंने, मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पर क्यू ने पी एक सॉल्यूशन में, ये पी टू ओ थ्री पूरा एक सॉल्यूशन है और क्यू अकेला एलिमेंट है, तो इस क्यू ने इस पी को अलग कर दिया। देखो पी अकेला हो गया और खुद जाके सॉल्यूशन में बैठ गया, तो इसका मतलब ये कि क्यू ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा तभी ये पी को उसके सॉल्यूशन में से निकाल पाया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहती है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पी इज मोर रिएक्टिव देन, ओ सॉरी, क्यू इज मोर रिएक्टिव देन पी, क्योंकि क्यू ने पी को उसके सॉल्यूशन में से निकाल दिया, तो क्यू इज मोर रिएक्टिव देन पी। पर हमारे पास तो ये आर भी है, तो जरा नीचे वाली देखते हैं, उससे पर कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर भी क्यू ने आर, ये ना आर ये सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, आर एस ओ फोर सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, और ये देखो क्यू ने क्या करा, आर को भी अलग बिठा दिया, आर अलग बैठ गया। तो इसका मतलब जो क्यू है वो आर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्यू इज मोर रिएक्टिव देन आर। देखो पता चल रहा है ना आपको, ये क्यू है और ये आर एक सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, आर एस ओ फोर नाम का सॉल्यूशन, ये आर सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, तो क्यू ने इस आर को अलग कर दिया और खुद जाके ये देख लो सॉल्यूशन में बैठ गया, एस ओ फोर थ्री क्यू टू एस ओ फोर थ्री। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू आर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमें ये तो पता चल गया कि क्यू पी से भी ज्यादा रिएक्टिव है और आर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो पहले का आंसर पूछ रहा था कि विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, तो हम क्या आंसर देंगे, इसका आंसर होगा क्यू, क्योंकि हमें पता चल गया भाई क्यू इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि क्यू पी से भी ज्यादा रिएक्टिव है, आर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों इक्वेशन देख के मुझे पता चल गया। तो फर्स्ट का आंसर है क्यू इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है बेसिकली, क्यू इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यहां तक हमें पता चल गया। और ये नीचे वाला हमें पता ही चल गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें बताना है लीस रिएक्टिव कौन सा है, तो क्यू तो ज्यादा रिएक्टिव है तो हमें पता चल गया, पी और आर में से कोई लीस रिएक्टिव है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है पी और आर की बता रही है, तो जो पी और आर में से जो लीस रिएक्टिव होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि लीस रिएक्टिव पूछ रहा है ये। तो पी और आर में से कौन लीस रिएक्टिव है, तो आप देखो ये पी अकेला है और आर ओ सोल्यूशन में बैठा है, तो पी ने आर को सॉल्यूशन से, आर ओ सॉल्यूशन से अकेला कर दिया और खुद जाके सॉल्यूशन में बैठ गया। तो इसका मतलब पी ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा आर से, तभी उसको उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाया। तो इसका मतलब पी ज्यादा रिएक्टिव है आर से, तो पी इज मोर रिएक्टिव देन आर। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, आर। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, आर। तो इसका आंसर है आर इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ आ रहा नहीं तुम्हें,
ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे तुम्हारे, आई थिंक 2014 में आ रखा है। तो ऐसे मत सोचते हैं कि किसी क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। आर इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वापस आ जाते हैं घूम फिर के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अ मेटल एक्स विच इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव एन ऑक्साइड वाई विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो एक्स एंड वाई दरके इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड वाई विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो काफी डोंटिंग सा, काफी डरावना सा क्वेश्चन लगता है, पर है नहीं। हमें पता है कि थर्माइट प्रोसेस, ये जो मेटल एक्स है ये थर्माइट प्रोसेस में यूज हो रहा है। तो अगर आपने चैप्टर वगैरह जब मैं पढ़ा रहा था डिटेल में पढ़ा है, तो आपको याद आ जाएगा थर्माइट प्रोसेस सुनते ही कि जो मेटल है वो कौन सा है, एक्स मेटल। एक्स मेटल है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यूज होता है थर्माइट प्रोसेस, याद रख लो आप अपनी सभी। एल्यूमिनियम यूज इन थर्माइट प्रोसेस। तो इस एल्यूमिनियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट करा तो एक ऑक्साइड बना जिसको हम वाई बोल रहे हैं। तो ये जो एक्स है ये तो एल्यूमिनियम हो गया, और ये जो वाई क्या है, ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। भाई एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के में जब हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही तो बनेगा। मेटल एल्यूमिनियम है तो ऑक्साइड उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं एक्स और वाई दोनों पता चल गया, तो ये वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया कि एक्स और वाई क्या है, एक्स एल्यूमिनियम है और ये जो वाई उस मेटल एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब ये वाई यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो पहला हमें बताना है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमें। और सेकंड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, तो क्या होगा। तो ये दोनों हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के बतानी है, बस अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने एक और हिंट दे दिया, देखो एक और हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन हमें अच्छे से लिख पाए इसके लिए इसने एक और हिंट दिया। क्या हिंट दिया, इसने कहा है कि जो वाई है यानी कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसा है, एम्फोटेरिक है नेचर में, एम्फोटेरिक। अब आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक मतलब वो होता है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो ये वाई ऑक्साइड ही है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, समझ लो, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब देखो, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है, जनरल फॉर्म आपको सारी याद रखनी होगी जब मैंने पढ़ाया था, जब बताया था। तो ये एम्फोटेरिक यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट या कोई ऑक्साइड, यहाँ पर तो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि इट कैन एक्ट बोथ एज बेस एंड एसिड, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब जरा आ जाओ दो मिनट के लिए, एक रिविजन, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये याद होनी चाहिए आपको, जनरल इक्वेशन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ एक बार ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी को एम्फोटेरिक बोल रहे हैं ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार तो बेस की तरह एक्ट करेगा और एक बार एसिड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब जरा इस रिएक्शन को देखो, ये बेस की तरह यहाँ रिएक्ट करेगा और HCl तो हमें पक्का पक्का पता है कि ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस की इक्वेशन हो गई यहाँ पर भी, यही वाली इक्वेशन। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। अब जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक, ये तो पक्का पता है हमें एसिड है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस वाटर बने। और यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है बेस होता है, आपको ये पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड ही होता है, HCl तो एसिड ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें पता है NaOH तो बेस ही है, तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ये जनरल इक्वेशन हमने देखी। हमें हिंट बन गया क्या बनाने वाला है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में ये बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि HCl तो एसिड है। तो अब इसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं हम जल्दी से। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 और ये HCl है हमारा, आपका सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, यार घबरा क्यों रहे हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया। और वाटर क्या होता है, H2। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, बैलेंस करना आपको आना चाहिए, मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था कि सबसे पहले आप एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लो, यहाँ पर एल्यूमिनियम मतलब जो भी मेटल नॉन मेटल है उनको बैलेंस कर लो। देखो अगर आपको बैलेंस करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है ना, तो पहले आप मेरी वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए और ट्रिक भी बताई है बैलेंस करने की, है ना।
यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी दिमाग खोलोगे तो शायद समझ आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप मेटल, मेटल कौन सा, इसमें एल्यूमिनियम को आप पहले बैलेंस करो। तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक ही है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ दो लगा देंगे। प्रोडक्ट साइड में लगा दिया मैंने दो, तो जैसे ही मैंने यहाँ दो लगाया तो आपके क्लोरीन हो गए छः, भाई क्लोरीन तो छः हो गए क्योंकि तीन ही है और दो से मल्टीप्लाई छः, तो यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी छः लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब देखो हाइड ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ, इस साइड तीन, इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, इस साइड तो ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पर इसको भी बैलेंस करके यहाँ तीन ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। तो अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, आप चेक करते जाओ, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया छः छः, हाइड्रोजन अब देख लो, यहाँ हाइड्रोजन छः हैं, यहाँ तीन दूनी छः, तो अब ये आई थिंक आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस है, आपकी इक्वेशन अब पूरी बैलेंस है। मैंने लिख दी बैलेंस इक्वेशन, कहता ना बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो जब यहाँ पर इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसने बता रखा है ये एम्फोटेरिक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कभी बेस की तरह एक्ट करेगा कभी एसिड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर ये एसिड था तो बेस की तरह एक्ट करा ताकि एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन हो और ये सॉल्ट बने एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो। अब यहाँ पर बेस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि हमें पता है NOH तो पक्का बेस ही है, तो चलो जी इसकी भी लिख देते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वही अपना Al2O3 होता है, उसको रिएक्ट करवाया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ, आपका क्या बनेगा सॉल्टी बनेगा। तो इस बार कौन सा सॉल्ट बनेगा, इस बार तो इसमें तो बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें कौन सा सॉल्ट बनेगा, इसमें बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम और एल्यूमिनेट यानी AlO2, सोडियम इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, लिख दो मैं नीचे सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी एक सॉल्ट है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, ये बेस है हमें पक्का पता है, तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और ये तो बेस है ही, तो वही रिएक्शन होगी एसिड प्लस बेस में सॉल्ट बन गया और ये वाटर बनेगा आपका। सब इसको बैलेंस कर दो, आप बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन, लेकिन ये कह रहा है बैलेंस करो, बताता रहता है जब देखो हमें, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे, तो एल्यूमिनियम यहाँ भी दो हैं और यहाँ तो एक ही एल्यूमिनियम, तो पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगा देंगे, लगा दिया जी। अब जैसे ही मैंने यहाँ दो लगाया तो यहाँ सोडियम के दो हो गए, यहाँ तो सोडियम का एक ही है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी दो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर तीन ही है और एक दो, ये पांच ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, दो, ये दो ऑक्सीजन, दो इंटू टू फोर और एक ही ऑक्सीजन, ये तो पाँच, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करके देख लो, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर दो हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम करवाता है आपसे क्वेश्चन, आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स में आ रखा है और एक बार नहीं कई बार आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 2019 में भी आया था, 2019 का टाइम याद है तुम्हें, कोविड वाला टाइम, डेंजरस टाइम, उसमें आया था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर कॉपर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो बहुत से बुक्स में कंफ्यूजन है, सब ने कंफ्यूज कर रखा है, लेकिन है बहुत इजी। देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चीज यूज हो रही है, करंट यूज हो रहा है रिफाइन करने के लिए, तभी तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक, तो इलेक्ट्रिकल कोई ना कोई करंट से बात या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की चीज यूज करके हम रिफाइन कर रहे हैं किसको, कॉपर को। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई हम एक ऐसे एक सेटअप लेते हैं, ऐसे हम सेटअप लेते हैं पूरा, क्या बना देता हूँ मैं, समझा रहा हूँ मैं तुम्हें पूरा, ऐसे एक सेटअप लेते हैं हम, ये सेटअप लिया हमने, ठीक है, और इसमें हम दो तरीके की इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसे रॉड, तो ये जो रॉड लगाई मैंने, ये जो मैंने रॉड लगाई, ये वाली जो मैंने रॉड लगाई, ये इम्प्योर इम्प्योर मेटल है, इसमें कॉपर मेटल इम्प्योर रॉड है, कॉपर मेटल की इम्प्योर स्ट्रिप है, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर कॉपर, ये स्ट्रिप मतलब रॉड, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप मतलब इसमें प्योर मेटल, प्योर कॉपर नहीं है, इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। फिर एक और रॉड लगाई दूसरी, इसमें एकदम प्योर कॉपर मेटल है, प्योर कॉपर, ठीक है, पूरा सेटअप समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है और ये वाली एकदम प्योर कॉपर स्ट्रिप, प्योर प्योर कॉपर स्ट्रिप, ठीक है जी। इस वाले को जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है, इसको हम बोलते हैं, ये है तो दोनों इलेक्ट्रोड, पर इसको हम बोलते हैं एनोड, इस वाली साइड को बोलते हैं हम एनोड, और ये जो आपकी प्योर कॉपर स्ट्रिप है, इसको हम बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं इसको, कैथोड। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया जी, ये जी कनेक्ट कर दूं इनको मैं, ये कनेक्ट कर दिया मैंने,
ये कनेक्ट कर दिया लाइट कर्व से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने दोनों को, और ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, बैटरी लगी हुई है और ये मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो लेबल करना है तो ये बता दो, कह रहा है ना लेबल डायग्राम, तो सब चीज़ लेबल कर रहे हैं। तो ये बैटरी है, ये वायर है, और ये जो कैथोड है ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कैथोड वाली नेगेटिव है जो प्योर कॉपर मेटल वाली स्ट्रिप है, और ये एनोड जो कि इम्प्योर कॉपर मेटल वाली स्ट्रिप है ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गई। और ये बैटरी से कनेक्ट कर दी, तो ये प्लस और माइनस इस तरह आपका हो रहा है। अब इसमें नेगेटिव है तो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान रखना चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि कैथोड से, कैथोड से एनोड की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहे हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसके किसके अंदर डूबे में, ये दोनों ये डूबे में, ये कॉपर की बात चल रही है ना, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबे में ये दोनों स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स बोलो या इलेक्ट्रोड बोल लो इनको, इलेक्ट्रोड, ये जो सॉल्यूशन में जिसमें डूबे में है, ये कौन सा सॉल्यूशन है ये भी लिखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये दोनों डूबी हुई हैं। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ये प्योर स्ट्रिप इम्प्योर कॉपर को इसको बोलते हैं एनोड, केमिस्ट्री का नाम भी पता होना चाहिए, है तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो केमिस्ट्री का नाम, ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है इसका केमिस्ट्री का नाम है एनोड, ये प्योर कॉपर स्ट्रिप है इसका केमिस्ट्री का नाम है कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है एनोड पॉजिटिव होता है, और ये जिस सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं वो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका केमिस्ट्री में नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तभी तो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो आप, सिर्फ ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसको क्या बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सेटअप समझ आ रहा है पूरा, ये हो गया जी। अब देखो इसमें मूवमेंट कैसे होती है, इसमें काम क्या होता है वो समझा दूं मैं तुम्हें, प्रोसेस भी तो एक्सप्लेन करना है, ये पूरा सेटअप समझ आ गया। अब इसमें होता यह है कि आपका ये जो जैसे ही आप ये करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो क्या होगा कि ये जो ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप में से ना जो भी जो प्योर कॉपर स्ट्रिप है प्योर कॉपर स्ट्रिप वो ऐसे इसमें से गिर के इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे ही करंट शुरू होगा बैटरी के थ्रू तो ये जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है इसमें से प्योर कॉपर स्ट्रिप इसमें घुलना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, समझो इलेक्ट्रोलाइट में प्योर कॉपर स्ट्रिप जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप में से जो प्योर कॉपर है वो इसमें घुलना शुरू हो जाएगा, और ये जो जितना ही प्योर कॉपर इसमें घुलता जाएगा उतना ही प्योर कॉपर आपका इस कैथोड पे जाके स्टिक होता जाएगा, इस ये प्योर कॉपर कैथोड पे जाके स्टिक होता जाएगा। तो आप देख लो रिफाइनिंग हो रही है ना, ये इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप थी, इसमें से ये प्योर कॉपर निकलता गया इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होता गया, और जितना ही इसमें से निकलता जा रहा है उतना ही ये इस वाली यानी कैथोड वाली आपकी जो प्योर वाली कॉपर स्ट्रिप है उस पे जाके चिपक रहा है, ये चिपक रहा है, तो बस यही प्रोसेस है आपका रिफाइनिंग का। तो ये इम्प्योर वाली जो रॉड है पूरी रिफाइन हो जाएगी ऐसे धीरे धीरे धीरे, और फाइनली क्या होगा जैसे ही पूरी रिफाइन हो जाएगी तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी भी तो निकलेगी इसमें से, ये जो इम्प्योरिटी है एनोड में से जो इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योर कॉपर है जो प्योर कॉपर है वो तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होके इस कैथोड पे जाके चिपकता जा रहा है, ये पिंक कलर से मैंने दिखाया है, और जो इम्प्योरिटी है वो ऐसे जमा होती जाएगी जिसका नाम है एनोड, एनोड की इम्प्योरिटी है ना तो इसका नाम है एनोड मड, इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं एनोड मड। तो ये पूरा सेटअप है और ऐसे होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसको देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आपको देखना हो तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ये कौन सा साइड है एनोड साइड मैंने बताया, तो एनोड साइड पर क्या होता है, एनोड साइड पे आपका क्या होता है, ये एनोड साइड पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं कैथोड से आ रहे हैं और एनोड की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा कॉपर जो है वो 2+ होगा, कॉपर जो है वो 2+ है और दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बन रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन एनोड साइड पे ये वाली आपकी हो रही है, समझ लो। और कैथोड साइड पे क्या हो रही है रिएक्शन, कैथोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो कॉपर था और वो Cu2+ हो गया बाई लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इक्वेशन देखनी है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है तो वो देख लो, एनोड पे देख लो ना, ये दिखा भी रखा मैंने, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो एनोड Cu2+ था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कॉपर बन रहा है, ठीक है, और कैथोड जो है वो लूज कर रहा है यहाँ से जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर था इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ये Cu2+ बन गया, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रही है वाली चीज आपकी। ऑलराइट, अच्छा आपसे कोई पूछ ले मनमार्क क्वेश्चन कि कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये बताया ना मैंने पिंक कलर से, कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पे, आंसर बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता है, तो कॉपर डिपॉजिट होता है आपका कैथोड,
ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने दिखाया ना पिंक कलर से कैथोड डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर, राइट। तो ये था पूरा सेटअप, अगर कुछ इसमें दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या ये टॉपिक बच्चे भूल जाते हैं। इसको समझने के लिए, इसको डिटेल में समझने के लिए ना मैंने आपको वीडियो बना रखी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, उसका ए पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, उसका फर्स्ट का सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसका ए पार्ट देख लो। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन सब की। तो पहला क्या बोल रहा है कि कैल्शियम एक मेटल है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि मेटल प्लस वाटर, सबसे पहले आपको देता है, जब मेटल और वाटर को हम रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फिर इस मेटल ऑक्साइड को, फिर इस मेटल ऑक्साइड को जब हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई थी वो तो है ही। तो कुछ मतलब बेसिकली जब हमने मेटल और वाटर को रिएक्ट किया तो हमारा ये मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। कुछ ये कुछ लोग ये बीच वाला स्टेप को भूल जाते हैं कि पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये बीच वाला भूल के डायरेक्ट आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब मेटल और वाटर को रिएक्ट करा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, मेटल और वाटर को रिएक्ट किया। तो ये मेटल ऑक्साइड वाला आप भूल सकते हो कि पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर मेटल ऑक्साइड को फर्दर जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर वही हो रहा है, मेटल प्लस वाटर, तो मेटल के आपका कैल्शियम और वाटर कैसा होता है H2O, तो उसको जब रिएक्ट किया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पहले क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल क्या है हमारा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको स्लेट इसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, स्लेट लाइम। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये लिख दी मैंने फर्स्ट की रिएक्शन, ये रही फर्स्ट का आंसर, ये रहा कि कैल्शियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, बस यही है आपका फर्स्ट का पार्ट। तो ये ए का पार्ट हो गया, ये रहा। अब हम बढ़ते सेकेंड, सेकेंड देखो, सिनेबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सिनेबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखो कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलता कि सिनेबर क्या है, ठीक है। तो इसको आप, अगर आपको इसको समझ नहीं आ रहा तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली वीडियो मेरी जरूर देखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, सिनेबर बेसिकली एक ओर है, सिनेबर क्या है, एक टाइप ऑफ ओर है। ओर क्या होता है, ओर को आप ऐसे समझो कि ओर एक तरीके का कोई मिनरल है जिसमें से हम मेटल को प्यूरीफाई कर सकते हैं, मतलब कोई मिनरल है जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं, समझ गए। ओर क्या होती है, मतलब कोई भी मिनरल जिसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओर। तो ये सिनेबर भी एक तरीके का ओर है, ये क्या है, मर्करिक सल्फाइड HgS, इसको बोलते हैं सिनेबर। तो ये एक तरीके की ओर है और इसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें से हम, जिस मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, उसी को ओर बोलते हैं। तो ये HgS जो सिनेबर है ये एक तरीके की ओर है, तो इसमें से कौन सा मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, HG, तो HG मेटल हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही होगा यहाँ पर कि सिनेबर को जब हम एयर की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो हम देख लेते हैं सिनेबर क्या है ओर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये बी वाली, तो सिनेबर है आपकी HgS जो कि एक ओर होती है, और ओर क्या होती है, और वो मिनरल जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं। तो इस HgS में से हम मेटल निकाल सकते हैं, कौन सा मेटल निकालेंगे, ऑब्वियसली HG यानी कि मरकरी, ठीक है। तो इसको जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा आपका, आपका मरकरी ऑक्साइड बनेगा पहले तो। ये HgS को मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिखो भाई, ये ऑक्सीजन इसको मैंने किया हीट, ये हीट का साइन है। तो जब मैंने इसको हीट किया तो पहले सबसे पहले क्या बनता है, मर्करी ऑक्साइड यानी HgO, ये बन गया मर्करी ऑक्साइड। और ये HgS है, सॉरी मेरा मर्करी, ये जो सिनेबर है इसको जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो पहले बना मर्करी ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, बैलेंस भी कर लो, ऑक्सीजन के दो दो, ऑक्सीजन के यहाँ तीन हो गए, तो यहाँ पर तीन दो छः लिख देंगे हम, ये बैलेंस आप कर लेना अपने हिसाब से, टॉपिक है, ठीक है। अब ये बैलेंस है, एनीवेज आप टॉपिक समझो कि ये HgS यानी कि सिनेबर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड बना, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना, दिख रहा है ना आपको, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया पहले। फिर उसको फर्दर जब हीट किया, मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब फर्दर हीट किया, ये HgO को और हीट किया मैंने, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड को मैंने और हीट किया, तब आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। और का काम ही होता है, या और वो होती वो ये जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये जो सिनेबर थी,
सिनेबर जो थी इसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड बना इसको हमने फिर फर्दर हीट किया, और हीट किया। पहले जब हीट किया तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बना इस सिनेबर को, फिर इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम और हीट कर रहे हैं तो अब हमारा मेटल आ जाएगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। इसको बैलेंस कर लो आप, दो ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हमने इस सिनेबर को यूज करके हमने इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का ही कॉन्सेप्ट था आपका, और ये बैलेंस इक्वेशन मैंने दिखा दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं ये सी पार्ट, इसको नेक्स्ट पेज पर करना पड़ेगा। तो सी पार्ट कह रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, नेक्स्ट पेज पर देखो। तो नेक्स्ट पार्ट अब ये कह रहा है कि जब मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, ये हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर आप मैंगनीज को ये अलग कर देगा और खुद सॉल्यूशन बना देगा Al2O3 का, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का खुद सॉल्यूशन बना दिया और मैंगनीज को अलग कर दिया। इसको आप बैलेंस कर लेना, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा या 4 आएगा, आप जल्दी से बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट करवाया। तो देख लो ये एल्यूमिनियम ने मैंगनीज डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में से मैंगनीज को अलग कर दिया। तो बेसिकली ये भी एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का आपका प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। तो ये आप ध्यान रखना, मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा, उसमें देख लेना, तो उसी की रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन था इसका ये फर्स्ट पार्ट था, ये 3 सेकेंड पार्ट ये पूछता है, सेकेंड पार्ट ये पूछता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वॉट इज अलॉय, अलॉय क्या होता है, वॉट इज अलॉय ये पूछा था इसने। तो अलॉय बेसिकली क्या होता है, अलॉय में किसी किन्हीं दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। मतलब कोई एक मेटल, मेटल नंबर 1 और मेटल नंबर 2, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो बना वो अलॉय है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दोनों मेटल को ही, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ मेटल को ही मिक्स करके जो बनता है उसको अलॉय बोलते हैं। कोई एक मेटल है और दूसरा मान लो नॉन मेटल है, इनको भी मिक्स करके जो बनेगा वो अलॉय है। तो बेसिकली इनको मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला के मोल्टन स्टेट में करके फिर मिक्स करते हैं, तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं अलॉय, समझ गए। तो दो मेटल भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बेसिकली मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को जो मिक्स करके जो बनता है उसको बोलते हैं हम अलॉय। और कैसे बनाते हैं, मोल्ट करके, मेल्ट करके, मोल्टन स्टेट में करके उनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये था सेकेंड पार्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमें ये जो दो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब इनको हमें एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग मतलब इनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विद प्लास्टिक। तो आपने हमारे घर पे भी देखा होगा, हमारे घर में जैसे तार होती है उसके अंदर कॉपर वायर होती है, घर में कहीं भी ऐसे तार होती है और उसके चारों तरफ प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रंग बिरंगी, लाल, पीली, हरी, नीली, जो। तो वो इसलिए होती है कि जो कॉपर होता है ना अंदर, कॉपर होता है वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, या फिर एयर के साथ, कॉपर जो है बेसिकली एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर बेसिकली अंदर से उसकी शाइनी सरफेस चला जाएगी, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। आपको पता है ना, जब भी कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ हवा में, और हवा में CO2 भी है, सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जो CO2 में जो मॉइस्चर है, CO2 या ऑक्सीजन में जो भी मॉइस्चर है वो इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके इस कॉपर को चारों तरफ से उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग सी आ जाएगी। तो उसकी वजह से हम कॉपर के ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ा के रखते हैं ताकि वो कॉपर ऐसे मॉइस्चर, जो मॉइस्चरस कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी हवा में, उससे रिएक्ट करके ग्रीन कोटिंग ना आए और वो जो अंदर जो तार है उसकी शाइनीनेस, जो उसकी चमक है वो चली ना जाए, समझ गए बात को। दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉपर जो वायर है हमारी, जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो अंदर से कॉपर की होती है जनरली, और कॉपर जब एयर से रिएक्ट करता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और मॉइस्ट मतलब उसमें कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, हल्का सा मॉइस्ट होती है, गीली, वो जब रिएक्ट करेगी कॉपर के साथ तो कॉपर पे चारों तरफ से ग्रीन कोटिंग से जम जाएगी। तो ग्रीन कोटिंग शाइनी सरफेस, पूरा जो वायर की जो शाइनीनेस है वो सब खत्म कर देगा, तो इसलिए हम प्लास्टिक से उसको कोट करके रखते हैं, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, देखो वैसे तो इसको डिटेल में हम बहुत जा सकते हैं, पर अभी आप सिर्फ CBSE 10th में हो तो आप सिर्फ इतना याद रखो, सेकेंड पार्ट के लिए पूछ रहे हैं कार्बन को हम क्यों यूज़ नहीं करते जब हम एल्यूमिनियम, हमें निकालना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें एल्यूमिनियम मेटल जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम कार्बन क्यों नहीं यूज़ करते। तो देखो इसको बस आप इतना समझो अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो एल्यूमिनियम है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से,
यही रीजन है कि हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन से, तो इसलिए हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते, तो रिड्यूस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, चलेगा ये क्वेश्चन देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर इज नोन एज, तो देखो ये क्वेश्चन बस सिर्फ है तो एक एमसीक्यू, लेकिन मैंने इसलिए लिया, मैं इसमें आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो सारी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी एक ही क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो बस ये पूछा है कि मेटल की वो कौन सी एबिलिटी है जिससे कि वो थिन वायर में बना देते हैं उसको, थिन वायर में, तो वो एबिलिटी होती है डक्टिलिटी। जैसे कोई मेटल है उसको हम ऐसे खींच के ऐसे पतली तार में अगर खींच सकते हैं, ये मेटल की एबिलिटी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो ए है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस मेरा ये है कि बाकी भी मैं आपको समझाऊं। तो ये तो क्वेश्चन तो हो गया ए, अब आप समझो मेलेबिलिटी क्या होती है। तो मेलेबिलिटी भी मेटल्स की एक एबिलिटी होती है, मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है, जो आपका मेटल है वैसे थिन शीट में हैमर से मार के हम उसको थिन शीट में बना सकते हैं। तो जब भी मैंने मेटल इज ड्रॉन इन टू अ थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड मेटल हैज दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया मेलेबिलिटी। सोनोरिटी, सोनोरोसिटी क्या होती है, सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी होती है कि जैसे आप इसका एग्जांपल देखो, जो स्कूल बेल में, आजकल तो वैसे इलेक्ट्रिकल बेल है पर उसमें भी यही होता है सोनोरोसिटी, तो जो आपकी बेल होती है, घंटी होती है, उसमें से टन करके ऐसे आवाज आती है ना, तो मेटल्स ज्यादातर क्या होते हैं ऐसे सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरोसिटी। टन आप घर में भी देख सकते हो, आप लोहे की किसी चीज को ऐसे दूसरे लोहे चीज से मारोगे तो ऐसे टन करके जो साउंड आता है ना सोनोरस, उसी को बोलते हैं सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, सोनोरोसिटी, ठीक है। कंडक्टिविटी आपको पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब कंडक्ट हो सकती है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पास थ्रू कर सकते हैं मेटल्स थ्रू, मतलब जो ये मेटल है उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हो, वो कंडक्ट, गुड कंडक्टर है। प्लास्टिक के थ्रू हम क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो मेटल नहीं है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, मेटल्स में हो सकता है, और यही प्रॉपर्टी बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये मैंने सारी चारों चीज़ें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की कोशिश की मेटल की, बाकी इसका आंसर तो बस ये पूछ रहा है कि थिन वायर में जो कन्वर्ट करते हैं मेटल को, उस एबिलिटी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, समझिए। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के, और ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम्स पे देखोगे, एग्जैक्टली भी देख सकते हो, और वरना इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे, मेन होते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप रिकमेंड मैं आपको करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लो, जैसे एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल एक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके इस चैप्टर में एक्सट्रक्शन ऑफ, तो उसको जरूर आप रिवाइज करो। ये सब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हो तो